लोकसभा तो जीते ना अपने लोकसभा में कट गए आते चोर चोर से एक जगह होगा इसलिए कोई खास बात करी काम करेंगे जनता का सरकार ने मौका दिया है मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी ने तो काम करेंगे राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन बिगड़ा पड़ा है क्या लेने दे रहा है मैं जीऊंगा जो तो ही काम करूंगा शहीदा ने जो असली रूप में सम्मान जो दियो ने मैं प्रेम सिंह जी बाजोर दियो टेकावाटी सैनिका की धरती है 405 सीटा आ रही है मोदी जी की बाबा जी 5 लाख वोटा सो जीता जा देखो प्रेम सिंह जी बाजोर जो शहीदा के लिए जो काम करे ने देखो कल्पना कौन कर सके सैनिका की लगभग 1100 से ऊपर मूर्तियां लगाबा को लक्ष्य लिए तो ओ एक मैं सोचो अपना आप में बहुत बड़ी बात है देश का पहला अनूठा गुरुकुल जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान नमस्कार रिपोर्टर दिलराज और सीकर शहर के मायने जगह जगह स्वागत है जो प्रेम सिंह बाजोर को करो जा रहे हैं कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष जगह बनाया जाबा के बाद के मायने सीकर शहर के मायने पहली बार आपा के तो कुसी के मायने बीजेपी का कार्यकर्ता है बाके द्वारा स्वागत है जो करो जा रहे तो अपने साथ बीजेपी का प्रवक्ता जितेंद्र सिंह कारंगा है हम बात कर सा राम राम जी राम राम सर राम राम मैं कुछ एकावाटी में बहुत खुशी को विषय है कि प्रेम सिंह जी बाजोर सैनिक कल्याण मंत्री को दर्जो प्राप्त करा बाद में पहली बार सीकर आए जी तरीके लोग स्वागत और सत्कार कर रहे हैं क्योंकि सेकावाटी सैनिका की धरती है यदि हिंदुस्तान में सब ज्यादा शहीद यदि कोई संभाग में है तो भी को नाम सेकावाटी है और बटे यदि सेकावाटी प्रेम सिंह जी ने दर्जो मिले तो बहुत खुशी को और गर्व को विषय है लोग जी तरीके जोश में आज आतिशबाजी हो रही है मिठाइयां बांट रहे हैं लोग फूलों बरसात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ बहुत खुशी को लहर है पहले तो आपने मोकली मोकली बधाई सैनिक कल्याण मंत्री बोर्ड का तीसरी बार अध्यक्ष बनावा की बहुत बहुत धन्यवाद आपको पद दोबारा तीसरी बार थारकन आयो है कहीं खुशी हो रही है और कहीं के बचाओ नहीं नहीं काम करेंगे जनता का सरकार ने मौका दिया है मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी ने तो काम करेंगे राजस्थान में पहले भी हमने पूर्व सैनिक और हमारे गौरव सेनानी है वर्तमान सैनिक है चाहे हमारे शहीद परिवार है उनका पहले भी अपने खूब काम किए सेवा की है और मेरा 100% ईमानदारी से करता हूँ काम और पूरा दिल से पूरा समय देता हूँ इसलिए आगे भी बढ़िया होगा शहीदा की मूर्ति पहले भी लगातार बनाई है अब आगे तो कई मूर्ति बनेगी एकदम कंटिन्यू चालू है काम मूर्ति बढ़ावा को लगा मैं जीऊंगा जो तो ही काम करूंगा लोकसभा चुनाव ने देखी देखो लोकसभा तो जीते रहे अपने लोकसभा में कट गए आते इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस वालों है इनकी कुछ ही नहीं है काहे का कोई गठबंधन कोई बंधन है 405 सीटें आ रही है मोदी जी की दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे बाकी कांग्रेस गठबंधन बिगड़ा पड़ा है क्या लेने दे रहा है उसको सही नहीं बड़ लगातार बे ये कहवे का दादागिरी करे रात में जी गिरफ्तारी करी केजरीवाल केजरीवाल उन घपला करेगा तो कोई हो साहब जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा घपला करेगा मेरे को एक बात बताओ मोदी जी को 10 साल प्रधानमंत्री हो गए एक दिन कोई लालसन लगा क्या किसी मंत्री पे लगा क्या जितने सांसद है किसी पे एक पे भी लगा क्या अंगा तो रोजिना पेपर भेड़ा था टीवी भेड़िया चोर चोर से एक जगह हो गए कोई खास बात करी तो जनता के मैसेज गए अभी चीजों जनता मैसेज समाज ना देख जो सीट बड़े साथ के साथ जीता दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हालात ही है तो उनका वो बैठा उनका उप मुख्यमंत्री बैठा उनका मंत्री बैठा सारे जेल में गए भ्रष्टाचार थैंक यू बहुत आभार सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आपने सीकर और अपना क्षेत्रीय नेता प्रेम सिंह बाजोर बनवा के उपलक्ष्य में कहीं के पहुंचाओ देखो पार्टी जी प्रकार से एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जका सैनिका के प्रति समर्पित भाव से काम करया और भी कोई नतीजो है ने तीसरी बार वो सैनिक कल्याण बोर्ड को दर्जो दिए गए और वो वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व है और हमारो जो राज्य नेतृत्व बंद धन्यवाद देवा कि एक योग्य आदमी ने उस सैनिक कल्याण बोर्ड को वापस जिम्मो दिए गए क्योंकि सैनिका की लगभग 1100 से ऊपर मूर्तियां लगाबा को लक्ष्य लिए तो वो एक मैं सोचो अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो यान को काम है राजनीतिक माए ना हर पुण्य वालों काम जबकि राजनीति में दे देखो तो पहली चोट खिंचाई खिंचाई दिखी जाएगा अपने कन आवे कि आवनी लेकिन प्रेम सिंह बाजोर है जगह सिर्फ देबो ही देबो देखियो है देखो बाजोर साहब को एक विशेषकर पहली कोई
आप यहाँ देखा तो सैनिक कल्याण बोर्ड ने कोई जानते को नहीं, बिल्कुल, लेकिन बाजोर साहब आने के बाद में तो जान पा लगे ने, तो आपको मेहनत और आपको परिश्रम ही है, एक कारण से वो जान पा लगे। तो मैं तो वास्तव में धन्यवाद, स्वागत और सत्कार पूरा सीकर के मायने आज फूल बरस रहा है। और बीजेपी लोकसभा चुनाव के मायने तीसरी बार सुवेदन रंजन भी टिकट मिली है, कहीं वो पूरा एक सके की साबू देख पा लगे। सुवेदन रंजन ने टिकट मिलो एक बड़ी सुंदर बात है, मोदी जी ने उनके काम को देखते हुए, मोदी जी के बाबा सुरेंद्रनाथ जी जो हमारे यहाँ से दो बार सांसद रह चुके हैं, सीकर जिले में एक ऐसा उन्होंने विकास किया है जो सीकर जिले में एक ऐतिहासिक विकास के नाम पर स्वामी सुरेंद्रनाथ जी ने जो काम किया, मेडिकल कॉलेज है, रेलवेज का काम है उनके होते, और जनता के प्रति जो उनकी समर्पितता थी स्वामी जी की, जनता के प्रति जो काम था उनके काम को देखते उनको तीसरी बार यहाँ से टिकट भेजा है, जो अब की बार हम आसानी से 5 लाख से ऊपर ही संसद में जाकर बाबा जी का हम सम्मान बढ़ाएंगे और मोदी जी का सम्मान बढ़ाएंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष लगातार तीसरी बार सीकर हूँ। देखो प्रेम सिंह जी ने पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से सैनिकों के लिए काम किया है उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इनको ये तीसरी बार ये मौका दिया। वो जिला अध्यक्ष जी है, बहुत भी बातचीत कर सा जिला अध्यक्ष जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम। ये मौका न की साबू देख रहे हो, लोकसभा चुनाव भी सांकड़ा है तो की साबू देखो इन, तो स्वागत है जो जिला अध्यक्ष जी को करे जा रहे बाद में वाइट ले से आएगी। बहुत ही जोरदार मौका आया है जी, प्रकार से शेखावाटी में पूरा राजस्थान में प्रेम सिंह जी बाजोर शहीदा को सम्मान कर रहा, शहीदा की मूर्तियां बनवा रहा, राजस्थान की भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी शुरू से शहीदा को सम्मान करती आई है, निश्चित रूप से वो जो सम्मान है वो शहीदा को सम्मान है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ में लोकसभा को चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी। सखा बोर्ड ने पहली जानता को नहीं, अपार विधायक जी कह रहा आज भी बोर्ड ने पूजी जी है, पूरा राजस्थान के मायने पूरा हिंदुस्तान के मायने पूजी जी है, सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बाजोर जी के आबा के बाद के मायने, तो एक ऊपर का वो सैनिका को जो सम्मान बाजोर साहब करे अभी से एक बहुत बड़ी पहचान बनी है, और ये व्यक्ति से बड़ो पद को नहीं हो सके, ये बात ने चरितार्थ बाजोर साहब कर दिया कि बाजोर साहब के सैनिक कल्याण बोर्ड को अध्यक्ष बनवा से आज सैनिक कल्याण बोर्ड की ख्याति बनी है। थे माड़ा किया पेरा किया पहले तो आप बताओ। एकदम बाजोर साहब का नहीं, सारा परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और ये उनकी जीत नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जो आज बाजोर साहब ने इतने बड़े पूरे राजस्थान में काम किया है, उसके उपलक्ष्य में आज बाजोर साहब को ये पद मिला है। चुनाव हारना जीतना कोई बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है, पर इस कद पे आके चुनाव हारने के बाद भी ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी कि हारा जीता आदमी सब आदमी एक बराबर होता है, भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देती है। जय भारत, जय भारत माता की जय। ढोल नगाड़ा बाज रहा है, बग्गी को इंतजाम कर रहा क्यों है, और चारों मेयर जगह स्वागत है करवा लाग रहा। देखो प्रेम सिंह जी बाजोर जो शहीदा के लिए जो काम करे ने, देखिए कोई कल्पना कौन कर सके, आपके घर सुबह आदमी 27 करोड़ रुपया सु पूरा राजस्थान में शहीदा की मूर्ति लगावा को जो बीड़ो प्रेम सिंह जी बाजोर साहब उठायो, वो बीड़ो शायद राजस्थान में कोई उठाए होनी, पहली लोग जानता होनी, एक आया शहीद सैनिक बैच 1962 मूर्तियां को लगी, वहां लोगों ने भी मूर्तियां लगाई, और शहीदा ने जो असली रूप में सम्मान जो दियो ने वह प्रेम सिंह जी बाजोर दियो, और सैनिक कल्याण बोर्ड की राजस्थान में बहुत बड़ी पहचान बनाई है, तो ये प्रेम सिंह जी बाजोर एक तरह से शहीदा का प्रकोण पितर देवता भी बोल सकता है। जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, और प्रेम सिंह बाजोर खुली गाड़ी में ओपन जीप में बैठा है, और पूरी जनता है ढकी सीकर की पूरी स्वागत कर रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता है जगह लगातार अध्यक्ष को स्वागत कर रहा है। बाजोर साहब ने आज बग्गी कमाए ने दोबारा बिठा दिया, वो यहाँ को मौको है ना, जिंदगी कमाए ने एक दो बार आया कर है, लेकिन दोबारा बग्गी कमाए ने बिठा रखा लाग रहे। बाजोर साहब सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा लोगों के सैनिका के लिए तो काम करे है, ठीक है अलावा भी अत्ता बड़ा भामाशा है, अत्ता बड़ा भामाशा है, अध्यक्ष को देसी घी का लड्डू आबा लाग रहा है, धड़ाधड़ जिया जिया मार्केट में आगे चल है, चारों तरफ लाडू आ रहा है, कुशियां है जिकी सीकर के मायने बंट रही है, और लाडू का खोमचा ही आबा लाग रहा है। अत्तो बड़ो आम लोगों के लिए भी कोई भी चले को ने तो गेड़ा ने ना को नहीं करे, अत्ता बड़ा भामाशा, अत्ता बड़ा दिलदार आदमी है, कई आदमी का बारा में कह जाए तो शब्द बहुत कम पड़े। अरे रुको सुरेंद्र पूछा।
स्वागत सत्कार है जो को पूरा सीकर में चल रहा है। बजरंग कांटा राजपूत छात्रावास स्वागत को सिलसिलो चालू हुयो और रामलीला मैदान के ऊपर जार थमसी और बठा सभा ने एक संबोधन भी करसी बिग बात कमाई ने आगे है जगह लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और बिग संबंधित अब हर जगह अपडेट है तन करता रहसा गांव गांव डाणी डाणी जार लोग है के मन की बात है तार तने पूछावा को काम है जो को रिपोर्टर दिलराज हमेशा करते रहसी। धन्यवाद राम राम रिपोर्टर दिलराज के साथ में थे जुड़े रहो बने रहो और थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए रखो और चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब भी करो और प्यार प्रेम है थोड़ा सो मन भी थारे प्यार की जरूरत है प्रेम की जरूरत है। धन्यवाद राम राम साहब।